TV9 भारतवर्ष से बोले हैं बागे विधायक सदा सवरनकर, हम अब शिवसेना है और एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं। मुंबई आने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सदा सवरनकर का यह बयान, हम किसी के संपर्क में नहीं है। बागे विधायक सदा सवरनकर ने कहा अपनी मर्जी से गुवाहाटी आए हैं। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागे विधायक सदा सवरनकर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मयूरेश गणपतिये ने फोन पर खास बातचीत की है, सुनिए। सर अभी लोग आप गुवाहाटी में ही हैं सर या मुंबई आ रहे हैं सर? नहीं गुवाहाटी में। सर और ये कुछ खबरें चल रही है शिवसेना की तरफ से कि 15 से 16 बागी उम्मीदवार जो है या बागी विधायक जो है वो आपके टच में है, उनके टच में है, तो क्या सर इसके ऊपर? कोई नहीं, सिंगल नहीं कोई सर। लेकिन और कब तक आप मुंबई आने की आशंका है सर? नहीं, वो जो विश्वास दर्शक ठहराव दे रहा, वो जो सेशन का ये रहेगा तभी आ जाएंगे ना। ओके, लेकिन सर और क्या हम ये कर सकते हैं कि आपके गुट में अब कितने लोग आए हैं? ना अभी तो 42 हो गए। ओके, और सर 42 लोग आपको लगता है कि आप में से कोई और फूटेगा नहीं, क्योंकि बार बार आधा भी नहीं फूटेगा, कोई नहीं फूटेगा ये कोई खुद के लिए ये जो आ गए है वो कोई खुद के लिए नहीं आए है। हाँ। वो पार्टी बचाने के लिए आए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। हमारे जो MLA थे वो दोबारा चुन के आना चाहिए ना भाई। लेकिन सर अगर मैं कहूँ कि आप लोग कह रहे हैं सब कि शिवसेना में है, लेकिन फिर आपका नेता कौन है? आपके नेता क्या अभी भी जो उद्धव साहब ने जिसको नेता करके दिया है एकनाथ जी शिंदे, वो ही रहेंगे ना। लेकिन वहाँ से कहा जा रहा है कि आपका हाईजैक करने का, शिवसेना हाईजैक करने का आपका अटेम्प्ट है। कोई हाईजैक करेंगे नहीं, हम शिवसैनिक ही है, मरे तक हम लोग शिवसैनिक ही रहेंगे। हाईजैक करने का क्या सवाल है? तो उद्धव ठाकरे क्या आपके अभी भी नेता है? नेता है ना, हमारे नेता जी उद्धव साहब है। और फिर शिंदे जी को कैसे आप देखते हैं, वो कौन है फिर आप? अभी नेता एक पार्टी में चार नेता नहीं होते क्या? हाँ। होते हैं ना। ओके, लेकिन सर आप कब तक आने वाले हैं मुंबई में, क्योंकि खबरें वो अभी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ अभी तक। शिवसेना के बागी विधायक सदा सवरनकर वो साफ कह रहे हैं कि जिनको चुन के दिया गया था नेता, वो अभी भी उनके ही नेता है, मतलब अभी भी एकनाथ शिंदे उनके नेता हैं।